ओके तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद आर सेशन और आज का हमारा जो कंसर्न है दैट इज़ टू ट्रैक द स्ट्रेटजी दैट हाउ कैन वी गेट थ्रू एंड हाउ कैन वी इजीली पास दिस जर्नी ऑफ सी एंड पी आप लोगों ने अपने माइक्स चैन को क्लोज uh, कर लेना है और म्यूट पर रखना है उसे और जो आपके क्वेश्चन होंगे या क्यूरीज होंगी आई वुड एड्रेस इन एंड ऑफ दिस सेशन और एक चीज़ मैं आपके साथ जरा क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल और अप्रोप्रिएट टाइम है सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स और पी एम एस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को जो है क्रैक करने का उसकी रीजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बिल्डिंग को आपने तीन माह में जो है कम्पलीट करना है एक बहुत बड़ा घर है जिसे आप टू टू थ्री मंथ्स में जो है कम्प्लीट करने वाले हैं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू पीपल सो so, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है जो असल सी की जो रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्राम सो कॉल्ड क्लेम्स ऑफ द एकेडमीज़ या जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन हैं अगर हम उनकी बातों के एक साइड पर करें तो जो असल सी की रिक्वायरमेंट है इट नीड्स एट लीस्ट एट लीस्ट वन ईयर और अगर आप इसको वन एंड हाफ़ ईयर यानी डेढ़ साल के अरसे में जो इसको कम्प्लीट करते हैं तो इट वुड गिव यू द बेस्ट रिज़ल्ट और अगर आप सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के लिए जो है एस्पायरेंट हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है आपको स्टार्ट करने का और चीज़ों को लेके चलने का क्योंकि चीज़ें जो हैं सेटल होने में भी टाइम लेती हैं तो इसलिए और मैं इस सेशन के साथ बहुत ज़्यादा जो है कमिटेड भी हूँ डिटर्मेंट भी हूँ क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा इन शाह तला इस सेशन में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं क्वालीफाई करें तो आज मैं आपके सामने जो है सारा रोड मैप अपना जो है प्रजेंट करूँगा और चीज़ों को जो है आपके सामने रखूँगा कि किस तरह आप आसानी से अपना जो गोल है और टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस माई ओन प्रोफाइल एंड देन वी शैल इनशा स्टार्ट विद द सेशन ओके okay, uh, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है एम इंग्लिश लिटरेचर है 2014 में मैंने किया था और इसके अलावा पीजीडी जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है टेफल टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज ये मैंने 2009 में किया था और इसके अलावा सी को मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो है क्वालिफाई uh, किया था टू में uh, मेरी एलुकेशन नहीं थी मार्क्स कम थे फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशिप का एग्जाम मैंने 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाई किया सिंस देन आई एम सर्विंग एज इंग्लिश लेक्चरर एंड नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड टू बी एस इसके अलावा जो है पी को मैंने फर्स्ट अटैम्प में टू में जो है विद uh, डिस्टिंगशन जो है सेवन मार्क्स के साथ जो है क्वालीफाई किया था लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसको मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया उस तरफ सी एस की फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है उसके बाद प्रेसी में, में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में सेवेंटी मार्क्स थे सी एस एस की जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट ली थी उसमें मेरा एसेड ड्रॉप हुआ फोर मार्क्स से और बाकी मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया लेक्चरशिप में आके कि मेरे लिए ये जो है फील्ड ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पी एम एस एंड अदर जॉब्स क्योंकि इसमें जो है आपको टाइम की लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ़ टाइम बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है फिर इसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सी एस एस में जो फेलियर का एक रीज़न है क्योंकि प्रेसी में मेरे नंबर जो है हमेशा से सेवेंटी प्लस आते रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एस ए का एक प्रॉब्लम है और ऐसे के प्रॉब्लम को लेकर सारा सी एस एस अगर एक तरफ किया जाए तो ऐसे जो है ऐसे ऐसे राइटिंग इंग्लिश दैट इज़ रियली ब्लॉक जो कि मेजर है फेलियर की तो इसके वाले से फिर मैंने सी एस के जो है एसपायरेंट उनके लिए बुक लिखी थी सी और पी के लिए इंग्लिश ऐसे की तो इनशाला आपके साथ शेयर करूंगा रिसेंटली मैं गवर्नमेंट uh, जो है एच ई डी डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में एटीन स्केल में जो परफॉर्म कर रहा हूँ इंग्लिश एज एन इंग्लिश प्रोफेसर और अलमदिल्ला मेरे स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी क्योंकि इसके अलावा जो है मैं आइल्स वगैरह की कोचिंग दे रहा हूँ तो वो पूरी दुनिया में अलहमदिल्ला इस वक्त सर्व कर रहे हैं अब एक चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी कि जो ऑनलाइन सेशन है इसकी क्या वैल्यू है और फिज़िकल जो अकेडमीज़ है उनका जो ट्रेंड है वो ऑब्सोलीट क्यों होता जा रहा है क्यों वो ओल्ड है इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं ये मेरा तीसरा सेशन है अभी दो सेशन एक सेशन तो मेरा अभी कंटिन्यू है और एक सेशन जो अभी हमने रिसेंटली उसको जो है वाइडअप किया है फ़र्स्ट जून में किया था मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में अच्छा अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें बहुत से बेनिफिट्स मुझे लगे क्योंकि फिज़िकल में वो चीज़ें कभी भी अचीव नहीं की जा सकती थी असल में हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम था कि लोग थोड़ा सा ऑनलाइन से अवॉइड करते हैं कि ऑनलाइन शायद जो है ना वो इतना यूज़फुल या रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा जो जा है सूटेबल है उसकी रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं इट इज़ हाईली अफोर्डेबल पॉकेट फ्रेंडली क्योंकि इसमें एक तो फी जो है वो भी कम चार्ज की जाती है और सेकेंडली ये है कि अगर आप एक्चुअल सेशन कोई भी ज्वाइन करते हैं अकेडमीज़ का इवन कि मेरा अपना जो इंस्टीट्यूट था शेखुपुरा में फ़िज़िकल सी एस एस कोचिंग के वाले से मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट जो है करियर इंस्टीट्यूट के नाम से जो है रन किया है आलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स उसके अंदर जो है हम लोग वन लैख प्लस चार्ज करते थे या वन लाख लेकिन यहाँ पे जो है फ़िज़िकल सेशन में अगर आप देखते हैं तो ट्यूशन फी जो है आपको इस वक्त आलमोस्ट सारी अकेडमी चार्ज कर रही है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है अगर आप चार माह का भी सेशन लेते हैं तो फ़िफ्टी थाउजेंड तो आपको आराम से जो है वो पे करना पड़ता है दैन फिर हॉस्टल के चार्जेस हैं फिफ्टी थाउजेंड और इसके अलावा फूड जो है वो भी आप फिफ्टी थाउजेंड अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट आलमोस्ट राउंड अबाउट एक्सीड्स थ्री लाख रुपीज़ और इसके अलावा इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी नहीं है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास लास्ट सेशन में ज्वाइन किया था जो कि रिनाउंडेडमी से फिजिकल सेशन ले चुकी थी लेकिन उनका जो है आउटपुट इतना अच्छा नहीं था उसकी रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसकी वजह क्या होती है सबसे बड़ी जगह उसकी ये होती है कि वहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स का रश इतना ज़्यादा होता है कि आप तो एक क्वेश्चन नहीं कर सकते और क्लासेज होते हैं कैलकुलेटेड होती हैं टीचर का इतना वो कंसनट्रेशन या आपका कंसनट्रेशन बिल्ड नहीं होता ऑनलाइन में आप पूरी क्लास जाती है एक फोकस्ड बल्कि लेज़र फोकस के साथ जो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसके बाद फिर ये है कि आपका टाइम सेविंग है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ प्लैंड होती है टीचर ने यहाँ पे आके आपके साथ एक्स्ट्रा जो है बीट अबाउट द बुशतनी करना टू दी पॉइंट जो चीज़ें पहले से सिस्टमेटिकली डिज़ाइन की हैं इसमें ज्यादा स्मार्ट वर्क का जो चांस आपके पास मिलता है क्योंकि सी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्मार्ट वर्क है क्योंकि यहां पर जो है जब लोग हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे पास तो कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं थी तो हमें बहुत सी चीज़ें मैनेज करने में बहुत टाइम लगा इट टुक यर्स टू गैदर नोट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये भी पता बाद में चलता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी कहाँ पे हम टाइम जाया कर रहे थे क्योंकि इसमें मैंटोरशिप जो जा बहुत ज्यादा जरूरी है फिर इसके बाद जो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल सेशन है उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास हैं फीमेल्स हैं स्पेशली सिर्फ आपको यहाँ टू आवर्स डेली जो है स्टडी लिए आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी रूटीन में से और आप इजीली चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि मैंने स्टूडेंट का जो मैक्सिमम बर्डन है वो अपने ऊपर लिया हुआ है मैं डेली अभी भी वर्क करता हूँ रोजाना सुबह तीन बजे उठ के बच्चों के लिए चीज़ें तैयार करता हूँ करंट अफेयर के स्टैट्स इकट्ठे करता हूँ और नोट्स वगैरह जो है मजीद उनको रिवाइज करता और इम्प्रोवाइज करता हूँ ताकि बच्चों को जो है वो चीज़ें ईजिली समझ आ सकें अहमदुल्ला पिछले सेशन का फीडबैक भी ज़्यादा बहुत अच्छा था फिर इसके बाद जो है 啊。Uh हमने यहाँ पे नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग डिजाइन किए हुए हैं क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इजीली जो कि आप क्लास में फिजिकल जो है बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है आपके लिए फिर आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है किसी भी वजह से तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं डेली के डेली जो है बच्चों को रिकॉर्ड लेक्चर देता हूं और मैंने यहाँ पाकिस्तान में पहला फर्स्ट टाइम एक डायरी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि आपको डेली का जो होमवर्क है जो क्लास लेते हैं उसका जो है जितना हमने काम किया होता है वो साइन कर दिया जाता है उसकी वजह से यह कि आपको ये पता चलता रहता है कि मेरा ये वाला काम है ये टास्क है अगर रह भी गया तो इसको हम आराम से कर लेंगे और इस दफ़ा मैंने एक और चीज की है कि हम लोग मंडे टू थर्सडे जो सेशन किया करेंगे और उसके बाद जो है मैं तीन दिन आपको दिया करूँगा आप रिवाइज़ कर लें अपनी चीज़ों को समझ लें जो चीज़ नहीं आती वो करने के लिए और इंग्लिश ऐसे के लिए और ग्रामर के लिए भी एक स्पेशल जो है अप्रोच इसमें शामिल होगी एक तो मेरी बुक के वाले से और मैंने ग्रामर के स्पेशल नोट्स कंपाइल किए हैं अपने इंग्लिश एक्सपीरियंस को लेके और सेकंडली मैं एक सेशन जो है दिसंबर में भी लॉन्च कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स जो हमारे पिछले पैचेज़ के हैं या जो मेरे साथ लहदा से भी जुड़े हैं इंग्लिश ऐसे के वैल्यूशन के लिए या इंग्लिश प्रेसी के लिए अच्छा ये तो हो गया हमारा स्टार्टअप अब हम चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ स्ट्रेटजी की तरफ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को जो मैनेज करना है